कार्बी में हंजांग बोलते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग है डेफोडिल नर्सरी हिटरी जो कि अभी विंटर आ रहा है, तो विंटर के समय हम लोग क्या करते हैं, ये सब देखिए, ये सब पुली है सीजनल फ्लावर की। तो हम लोग एक दो सीजनल फ्लावर लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये देखिए, तो ये कैप्सिकम है, हम लोग अपनी खेती के लिए लेके जा रहे हैं। ना कहा हम मस्त है, मस्त। यस, कैप्सिकम। सीजन फ्लावर की तैयारी हो रही है। तो हेलो एवरीवन, हम लोग आज बहुत 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 थक गए हैं। हम लोग मतलब नर्सरी भी गए, उसके बाद खेती, तो सोचा आज रात थोड़ा हल्का सा मतलब ऐसा डिनर करूं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूं। अगर आप लोग भी कभी जर्नी करने के बाद मतलब कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है और एकदम मेरी तरफ पूरा टायर्ड हो गए हो आप लोग, तो आप लोग मेरे रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं। सो आज मैं बनाऊंगी सरसों का साग, हिंदी में सरसों का साग बोलते हैं इसको, और हमारे कार्बी में हंजांग बोलते हैं। तो मैं आज सरसों के साग के साथ फिश बनाऊंगी। ये डिश बहुत ही सिंपल है, आप लोग कोई भी बना सकते हो इसको। इसमें मैंने मसाला ऐड करूंगी, गार्लिक जिंजर का पेस्ट, टर्मरिक पाउडर, नमक अपने अनुसार डालिएगा, फिर ये किंग चिली, मर्जी है, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हो, वरना नहीं, कोई बात नहीं। और इसके बाद ये मैंने प्याज को मैंने इस तरीके से कटा हुआ है। चलिए तो बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है।
तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, हम लोग इसमें डालेंगे कढ़ाई में सरसों के साथ हम लोग मिक्स करके डालेंगे। सो मैं अभी डालूंगी चिली। मेरे हस्बैंड को मतलब ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, मतलब नहीं खा सकते ज़्यादा तीखा, तो मैं हाफ करके डालूंगी ऐसे। हमारा 80% हो गया कंप्लीट, तो थोड़ा बच गया है गार्लिक जिंजर का पेस्ट, मैं इसमें डाल दूंगी। फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे फिश, फिश को हम लोग डालेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से फ्राई करके रख दिया था। फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं, और एक मिनट के लिए ऐसे ढक्कन से ढक दूंगी। इसके बाद हमारा रेडी हो जाएगा हम लोग का आज का डिनर। क्या वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुद जियो औरों को भी जीने दो। कार्डम।